लेडी के फेस पे लगे हैं कीड़े। और ये मैंगोट्स वाले कीड़े हैं जो कि बेहद ही सेफ तरीके से निकल चुके हैं। और देखिए हमारा बड़ा वाला चाकू ब्लैक वाले कीड़े को सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और ये देखिए मैंगोट्स वाले कीड़े भी सिल्वर वाले चाकू ने निकाला। क्रोमा वाला चाकू हमारा बेहद ही सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है कीड़े को। आगे हमारी चिमटी और देखिए रेड वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव कर रहा है। और ये लास्ट वाला कीड़ा है ये भी निकल चुका है औसम तरीके से। और ये बड़ा वाला ट्राइफोफोबिया हमारा कटर वाले चाकू से रिमूव हो चुका है। गोल्डन वाला चाकू हमारा ब्लैक वाले कीड़े को सेफ तरीके से रिमूव किया। कटर वाला चाकू मैंगोट्स वाले कीड़े को भी रिमूव कर चुका है पूरी तरह। और ये रेड वाले कीड़े भी निकल चुके हैं बहुत ही औसम तरीके से। और ये हमारा पतला वाला चाकू घिनौने टाइप के कीड़े को काट चुका है। आगे हमारा दवा और देखिए दवाई इसके फेस वाले कीड़े पे लग चुकी है बहुत ही सेफ तरीके से। आ जाएगा हमारा कॉटन वूल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे तो टाइमर भी चलना चालू हो गया है। और टाइमर ख़त्म होने के बाद आप लोग देख सकते हो बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने फेस का ट्रीटमेंट कर दिया है वो भी डीप क्लीन के साथ। फ्रीज पे लगे हैं कीड़े और देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े थे बहुत ही औसम तरीके से रिमूव हो चुके हैं। हैंड वाला चाकू हमारा ब्लैक वाले कीड़े को बहुत ही औसम तरीके से रिमूव कर चुका है। और ये छोटे छोटे मैंगोट्स के घवत थे जो कि ये भी रिमूव हुए आसानी से। हमारा क्रोम वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से मैंगोट्स वाले कीड़े को रिमूव किया। और देखिए हमारे छोटे वाले चाकू ने भी रिमूव कर दिया है पूरा का पूरा कीड़ा। हमारा बड़ा वाला चाकू ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को सेफ तरीके से रिमूव किया। और देखिए ब्लैक वाले कीड़े सिकंजे वाले चाकू से रिमूव हुए।
और ये वाइट वाले कीड़े पूरे के पूरे रिमूव हो चुके हैं आसानी से। और ये ब्लैक वाले पूरे के पूरे कीड़े ये भी रिमूव हो चुके हैं। और ये बहुत सारे मैंगोट्स वाले कीड़े थे जो कि रिमूव हुए। तो देखिए आर्म प्रेत का हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया है। अब हम लोग दवा लगा देंगे। तो देखिए दवाई हमारा लग चुका है। और देखिए दवाई लगने के बाद हम लोग को लाएँगे अपना कॉटन वूल रुई, जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। बहुत ही सेफ तरीके से हमारा टाइमर भी चलना चालू हो गया है। टाइमर के हाफ फेस पे लगे हैं कीड़े। तो साइड वाला फेस है जो इस पे बहुत सारे कीड़े चिपके हुए हैं। तो देखिए केचुए वाले कीड़े भी सेफ तरीके से ट्रीटमेंट हुए। और देखिए और गोल्डन वाला चाकू हमारा बहुत ही सेफ तरीके से मैंगोस वाले कीड़े को निकाला। और ये फंगल वाले कीड़े भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं आसानी से। और देखिए मैंगोट्स वाले पूरे के पूरे कीड़े हमारे चाकू ने निकाला। हैंड वाला चाकू हमारा देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और देखिए बहुत ही औसम तरीके से हमारा घिनौना टाइप का कीड़ा था निकला। सिकंजा वाला चाकू हमारा मैंगोट्स वाले कीड़े के घवत को पूरे के पूरा रिमूव किया। और देखिए ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हुए। इसके आधे फेस पे लगे हुए कीड़े को हम लोग रिमूव कर देंगे। बड़े बड़े मुंह वाले कीड़े भी रिमूव हुए। हमारा प्रोमोला चाकू बड़े बड़े फंगल को रिमूव किया। और ये छोटे छोटे आंख वाले कीड़े भी रिमूव हुए। और ये ब्लैक वाले ट्राइफोफोबिया भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा दवा। और देखिए इस घिनौने से घाव पे लग चुका है दवा। अब आ जाएगा हमारा कॉटन वूल रुई जो कि हम लोग टाइमर चलाएंगे। हम नाभि पे लगे हैं कीड़े। हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को।
और देखिए हमारा छोटा वाला चाकू ब्लैक वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है आसानी से। और ये बहुत ही सेफ तरीके से आंख वाले कीड़े निकल चुके हैं। और ये घिनौने टाइप के कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं। रेतीला वाला चाकू हमारा सेफ तरीके से ट्रीटमेंट किया कुछ घिनौने कीड़े को। गोल्डन वाला चाकू हमारा बहुत ही औसम तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और ये ब्लैक वाले कीड़े हैंड वाले चाकू से रिमूव हो चुके हैं। और ये रेड वाले घिनौने टाइप के कीड़े ये भी रिमूव हुए आसानी से। बड़ा वाला हमारा चाकू बहुत ही औसम तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और पतला वाला चाकू हमारा टर्फो को भी वाले कीड़े को निकाला। पूरी तरह लगे हुए कीड़े साइड वाले निकल चुके हैं। आगे हमारा दवा और देखिए दवाई बहुत ही सेफ तरीके से लग चुकी है पूरे ही कीड़ों पे। आ जाएगा हमारा कॉटन बुल रुई जो कि हम लोग टाइमर चलाएंगे अब। तो टाइमर चला चालू हो गया हमारा। और टाइमर चलने के बाद लगे हैं कीड़े। हमारा थोड़ा सा चाकू होल वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है। क्रोम वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से फेस वाले कीड़े को निकाला। हैंड वाला चाकू हमारा ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को रिमूव कर दिया है। और देखिए बड़े दांत वाले कीड़े भी निकल चुके हैं पतले वाले चाकू से। और ये छोटे छोटे घिनौने टाइप के ट्राइफोफोबिया भी निकल चुके हैं आसानी से। और ये बहुत सारे कीड़े भी निकले आसानी से। रेतीला वाला चाकू हमारा बहुत सारे कीड़े को एक ही बार में निकाला। इसके पूरे ही फेस को डीप क्लीन करेंगे। ब्लैक टाइप कीड़े को हम लोगों ने पतले वाले चाकू से रिमूव किया आसानी से। सिल्वर वाला चाकू आया। चींटियों वाले घवद वाले कीड़े को हम लोगों ने सेफ तरीके से रिमूव कर दिया है पूरी तरह। गोल्डन वाला चाकू हमारा ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाल दिया पूरी तरह। ब्लैक वाले कीड़े हमारे सिकंजे वाले चाकू से रिमूव हो चुके हैं। और ये ब्लैक वाला घिनौने टाइप का कीड़ा भी निकल चुका है पतले से चाकू से।
पतला वाला चाकू देखिए सेफ तरीके से ट्रीटमेंट कर चुका है बहुत सारे कीड़े को। माउथ पे लगे हुए बड़े से कीड़े को हम लोगों ने रिमूव किया। और देखिए ब्लैक वाले कीड़े भी पूरी तरह निकल चुके हैं। आगे हमारा दवा और इसके दोनों ही साइड पे लग चुका है दवा बहुत ही सेफ तरीके से। आ जाएगा हमारा कॉटन बोल रुई जो कि हम लोग टाइमर चलाएंगे। टाइमर चलने के बाद पूरे का पूरा फिनिश हो जाएगा हर एक कीड़ा। तो देखिए टाइमर भी चलना चालू हो गया और टाइम कीड़े और ये ब्लैक वाले कीड़े हैं जो कि पूरे ही मसूड़ों में चिपक गए थे। और हैंड वाला चाकू बहुत ही औसम तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े हैं जो कि हमारा बड़ा वाला चाकू निकाला। छोटे छोटे होल वाले कीड़े भी निकल चुके हैं आसानी से। और ये घिनौने टाइप के हरे टाइप के कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं। और ये ब्लैक वाला कीड़ा भी रेतीले वाले चाकू से रिमूव हुआ। हमारा गोल्डन वाला चाकू जो कि बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। छोटे छोटे होल वाला ट्रैको हो गया ये भी रिमूव हो चुके हैं। इसके पूरे ही मसूड़ों को हम लोग सीप तरीके से डीप क्लीन करेंगे। बहुत ही औसम तरीके से ट्रीटमेंट हो चुका है आसानी से। आ गया हमारा दवा और देखिए दवाई बहुत ही सेफ तरीके से इसके मसूड़े वाले कीड़े पे लग चुकी है। आ जाएगा हमारा कॉटन वूल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। टाइमर चलना भी चालू हो गया है। टाइमर